हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 1983 और 1971 का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये लिखे हैं इधर कोमा और ये सही है। इसका लास्ट डिजिट चेक करें, 3 है, ये 1 है, दोनों ही ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ऑड मतलब के 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 1 भी नहीं आता। इसका क्या मतलब है, जब लास्ट डिजिट ही दोनों के इवन नहीं है, 2 के से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, 2 से नंबर वो डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो इसका तो 3 है, इधर 1 है, इनमें से तो कोई नहीं, इसका मतलब दोनों ही इवन नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। ठीक है, 2 इसलिए क्योंकि एलसीएम में लीस्ट नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर 2 से हो रहा है तो हम पहले यहाँ पे 2 लेते हैं। हमने देखा कि दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे, हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। ठीक है, 3 से चेक करना अगर कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए ये रूल होता है डिजिट्स प्लस कर लें। जैसे साइड ये नंबर है, इसके साइड डिजिट्स प्लस करें, 1 में 9 प्लस करें क्या आता है 10। ठीक है, 10 में 8 प्लस करें क्या आता है 18, 18 में 3 प्लस करें 19, 20, 21। ठीक है, ये आ गया, अब इसको भी पहले प्लस कर लें फिर बताती हूँ। 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 7 प्लस करें 17, 17 में 1 प्लस करें 18। ठीक है, तो देखिए 3 के टेबल में 21 आता है, यस आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है। तो क्या मतलब, हमने क्या किया, ये जो नंबर था इसके सारे डिजिट्स प्लस किए ये आ गया, इसके सारे डिजिट्स प्लस किए ये आ गया। तो हमने देखा 3 के टेबल में 21 आ रहा है, 3 के टेबल में 18 भी आ रहा है। ठीक है, तो जब 3 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आपने चेक करना कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए सारे डिजिट्स को प्लस करें, प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता, अब क्या करें, 19 से छोटा क्या आता है 18, हमने कट करके लिख लिया 18। 3 के टेबल में 18 आ गया 6000, ये 19 था, कट हो गया, जब 18 बना तो इसका 1 कहाँ चला गया, इधर ये भी बन गया 18। 3 के टेबल में 18 आ गया 6000, 3 के टेबल में 3 आ गया 1000। ठीक है, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, तो 19 से छोटा क्या आता है 18 आता है, हमने कट करके 18 लिख लिया। 3 के टेबल में 18 आ गया 6000, ये 19 था, जब कट होकर 18 बना इसका 1 कहाँ चला गया, इधर ये बन गया 17। 3 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता, 17 से छोटा 3 के टेबल में 15 आता है, हमने कट करके क्या लिख लिया 15। 3 के टेबल में 15 आ गया 5000, ये 17 था, जब कट होकर 15 बना इसका 2 इधर चला गया, ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 आ गया 7000। हम यहाँ पे फिर से 3 ले सकते हैं कि नहीं, उसके लिए डिजिट्स प्लस करें, 6 में 6 प्लस करें 12, 12 में 1 प्लस करें 13। तो यहाँ तो 13 आ रहा है, इसका मतलब 3 के टेबल में तो 13 नहीं आता, इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको कर लें के देखें, 6 में 5 प्लस करें 6, 5 कितने होते हैं 11, 11 में 7 प्लस करें 18 आ रहा है, तो इधर तो 18 आ रहा है, इसको प्लस करने से तो 3 के टेबल में 18 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ पर फिर भी 3 लेंगे। ठीक है, ये नहीं भी हो रहा है, इसको वैसे ही लिख लें। 3 के टेबल में आता है 6, 2 जार, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा, 3 के टेबल में क्या आता है 3 आता है, हमने कट करके 3 लिख लिया। 3 के टेबल में 3 आ गया 1000, ये 5 था, कट होकर 3 बना इसका 2 इधर आ गया, बन गया 27। 3 के टेबल में 27 आ गया 9000। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे 3 ले सकते हैं कि नहीं, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये देख ले, 9 में 2 प्लस करें 11, 11 में 1 प्लस करें 12 आ रहा है, तो 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। इसका क्या मतलब है, ये फिर से पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 ले लें। 6, 6, 1 वैसे ही आ जाएगा। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 21 को कंसिडर करें, 21 भी नहीं, 21 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है 7000। 3 के टेबल में 9 आता है 3000। अब देखिए फिर से 3 ले सकते हैं कि नहीं, ये तो नहीं आ रहा, लेकिन ये देख लेते हैं, 7 में 3 प्लस करें 10 आता है, 3 के टेबल में तो 10 नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे हम 3 नहीं लेंगे। ठीक है, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से होगा कि नहीं, तो लास्ट डेट चेक करें, उसके लिए 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए लास्ट डेट का 0 या 5 होना ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा 5 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 से होगा कि नहीं, 7 के लिए देखें क्या रूल होता है, लास्ट डेट में उसी को प्लस करना होता है जो आएगा आंसर, उसमें से रिमेनिंग को माइनस कर देना है। देखें जैसे 1 में 1 प्लस करें 2, 2 में से 66 को माइनस कर दे तो 64, 7 के टेबल में 64 आता है, नहीं 77 के टेबल में 63 तो आता है लेकिन 64 नहीं आता, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा 7 से। 73 होगा कि नहीं, उसके लिए डिजिट्स प्लस करें, लास्ट डिजिट को उसी में प्लस करें, 3 में 3 प्लस करें तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 में से रिमेनिंग को माइनस कर दे 7 को तो 1 आ रहा है, 7 के टेबल में तो 1 नहीं आता, इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये भी हमने देखा, ये 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, दोनों ही, तो इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब ही फिर अपने टेबल में आएंगे। ठीक है, तो 73 छोटा पहले 73 ले लेंगे, 6, 6, 1 वैसे ही आ जाएगा, 73 के टेबल में 73 आ जाएगा 1000। ठीक है, और 6, 6, 1 अब यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि अभी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आएगा तो अपने में तो आएगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, तो एलसीएम के लिए लिखें एलसीएम ऑफ किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, 1983 एंड किसका है 1971 इज़ इक्वल टू, कैसे आएगा, सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखें,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 इंटू 661 और इनको मल्टीप्लाई कर दें. 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 73 ज़ार 73 को ऊपर रखें, 27 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ रहा है. 7 3 ज़ार 21 1 इधर 2 कैरी, 7 7 ज़ार 49 49 में 2 प्लस करें 50 51, 3 2 ज़ार 6 और 7 2 ज़ार 14. अब इनको प्लस कर लें, 6 में 1 प्लस करें, 7 5 में 4 प्लस करें, 9 1. अब 1 9 7 1 आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 1 से, ठीक है. तो क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 7 1 ज़ार 1 9 1 ज़ार 9 1 1 ज़ार 1, ठीक है. अब क्या करेंगे, 6, अब हमने 1 को सबसे किया था, अब 6 को सबसे करना है. 6 1 ज़ार 6 7 6 ज़ार 42 2 इधर 4 कैरी, 6 9 ज़ार 54 55 56 57 58 5 कैरी, ठीक है. 6 1 ज़ार 6 6 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 है, ठीक है. 6 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11, फिर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है. अब 6 1 ज़ार फिर से यही नंबर सारे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई यहाँ पे 6, ये वाला 2, ये 8 और ये 1 और ये 1, ठीक है. देखिए 1, 7 में 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13, ठीक है. 6 6 12 होता है, 7 13 आ गया, 1 कैरी, ठीक है. 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 6 प्लस करें 16 17 18 8 इधर 1 कैरी, ठीक है. इसके ऊपर कैरी है तो 1 ये इसके ऊपर आना था, ठीक है. 1 1 2 8 में 2 प्लस करें 10, 10 में 2 प्लस करें 12 2 इधर 1 कैरी, 8 में 1 प्लस करें 9, 9 1 प्लस करें 10 0 इधर 1 कैरी, 1 1 2 2 में 1 प्लस करें 3 और 1, तो क्या आ रहा है, 1 3 0 2 8 3 1, ठीक है. 0 1 1 3 0 2 8 3 1, ठीक है. तो इसका ये LCM आ गया, किसका, 1983 और 1971 का, ठीक है. तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.